हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह, आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो अभी समाप्त हो चुका है, अच्छे तरीके से संपन्न हो चुका है, ठीक है। उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, जो लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी, वो किस बेसिस पर बता रहे हैं कट ऑफ हाई जाएगी, उसको मैं क्लियर करूँगा कि कट ऑफ उतनी ज़्यादा नहीं आएगी। पर मैंने एनालिसिस किया है और मेरे पास बहुत से लड़कों का कमेंट आ रहा है, टेलीग्राम पर आ रहा है, व्हाट्सएप चैनल पर आ रहा है, यूट्यूब पर भी आ रहा है। तो उनके हिसाब से मैं थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा कट ऑफ एक्सेट करने वाला हूँ। जहाँ तक अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ तक अगर पहुँच रहे हैं, तो आपके फाइनल सिलेक्शन होने के प्रबल चांस हैं। मतलब 95% आपके 95% आपके चांस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। जो फिजिकल नहीं स्टार्ट किए हैं वो फिजिकल करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि फिजिकल के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और मैं बात कर लेता हूँ रिजल्ट भाई इसका, क्योंकि ये ऑफलाइन टेस्ट है, ओएमआर बेस्ड टेस्ट हुआ है। और इसमें आपकी भाई ये जो ओएमआर सीट है, इसको भाई कंप्यूटर के द्वारा इसकी गणना की जाती है। इसको कंप्यूटर के स्कैनिंग करने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए भर्ती बोर्ड को। फिर भी मेरा मानना है कि 40 से 50 दिन के अंदर ये रिजल्ट जारी कर देंगे। और उसके बाद अभी जो ये पेपर हो गया है, इसकी आंसर की कब तक आ जाएगी, एक हफ्ते की भाई, वन वीक में आ जाएगी आपकी आंसर की, ठीक है। तो बात करते हैं जो कि पेपर लेवल का, पेपर लेवल 23, 24, 25 एक तरफ कर दो और 30 और 31 एक तरफ कर दो, क्योंकि इसका और उनका कोई भाई ये नहीं है कि, क्योंकि इनका जो लेवल था ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। मीन्स जैसे 23, 24, 25 वालों का था, उनको भाई 23, 24 वालों को जो एग्ज़ाम हुआ है उनको कुछ पता ही नहीं था किस बेसिक पे उनका एग्ज़ाम आने वाला है। वो लोग तैयारी कर गए थे, मानसिक अभिरुचि की, यूपीएस स्पेशल की, करंट अफेयर की, इन सब की तैयारी कर गए थे, लेकिन वहाँ थोड़ा सा दूसरा गेम थोड़ा सा पलट गया। और मैंने पहले से बताया था कि भाई आप लोग मानसिक अभिरुचि की तैयारी मत करो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने पहले से लिख दिया भाई मानसिक अभिरुचि की तैयारी मत करो, क्योंकि इस बार यूपी गवर्नमेंट अपनी जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, उसका थोड़ा सा पैटर्न बदलने वाली है। और बदला भी, मेरी बातें सही भी हुई और कुछ लड़के मेरे साथ में जुड़े हुए थे, फिर बाद में कहे सर आपने सही बोला। हाँ भाई, थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी जानकारी हो जाती है, तो वही आपके साथ में शेयर करता हूँ, ठीक है। बात करते हैं कि ये कटाप ये लेवल की हो गई, ठीक। और हाँ, बात करते हैं जैसे 23, 24 वालों और 23, 24 और 25, इन सब का अगर एवरेज मार्क देखा जाए तो 200 नंबर बन रहे हैं, मीन्स 100 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और 30, 31 वालों को देखा जाए, क्योंकि उनको टाइम मिल गया था, 4-5 दिन टाइम मिल गया था, वो एनालिसिस करके गए थे, 6 शिफ्ट का एनालिसिस करके गए थे वहाँ तक एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम था और वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लिए। जैसे कि यूट्यूब पर भी बहुत सारी जीएस की क्लास भी चलाई जा रही थी, वहाँ से वो लोग पढ़ लिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिए। जैसे कि ये जीएसटी से पूछा जा रहा था, विमुद्रीकरण से पूछा जा रहा था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछे जा रहे थे, देश और राजधानी मुद्रा पूछे जा रहे थे, ये सब 4-5 टॉपिक पढ़ लिए, उनका 5 से 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए। मीन्स कहने का मतलब यही है कि हर शिफ्ट का लेवल 3 सब्जेक्ट का सेम था। मीन्स जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, हिंदी, ये तीनों का सब्जेक्ट जो है सेम था। बस बदला क्या था, 30 और 31 वालों के लिए थोड़ा सा GS EG आ गई, बस उसमें लड़के वहाँ पे उनका एवरेज इसको 25 क्वेश्चन होने लगा, और 23, 24, 25 वालों को उनको वहाँ उनका एवरेज स्कोर था 17 से 18 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए भाई थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि आप लोग फिजिकल करने में देरी मत करिए, फिजिकल अभी टाइम रहते ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल 10 दिन में तैयार होने वाली नहीं है। अच्छी खासी फिजिकल होती है, 25 मिनट में 4800 मीटर आपको फिजिकल करना होता है बॉयज़ को, और गर्ल्स को इनको भाई लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास दौड़ना होता है, और बहुत ज़्यादा इनको भी टाइम नहीं मिलता है, फिर भी 14-15 मिनट इनको मिल जाता है, ठीक है। और हाँ, बात करते हैं कि जो इनकी कट ऑफ रहने वाली है, अगर आपका इन शिफ्ट में 23, 24, 25, पहले बात करते हैं 23, 24, 25 वालों का, अगर इनके आसपास आपका नंबर बन रहा है तो आप लोग फिजिकल तैयारी कर लीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। मैं भाई विथ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से बात करने वाला हूँ। 23, 24, 25 अगस्त वालों को जो पेपर हुआ है, उनका नंबर अगर 200 से 210 के बीच में आ रहा है तो वो फिजिकल करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और हाँ, बात करते हैं 30 और 31 वालों के लिए, उनका भाई अगर देखा जाए थोड़ा सा उनका लेवल थोड़ा सा ईजी था, और उनकी कट ऑफ में मेरे हिसाब से जो लगने वाली है वो अगर जंगल से बिलोंग करते हैं तो 210 से 220 कुछ 220 नंबर के आसपास होने चाहिए, और EW से बिलोंग करते हैं तो 205 से 215 के बीच में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। और OBC जो है वो 210 से 215 के आसपास होने चाहिए, और फिर SC ST इसी के आसपास, मतलब 200 प्लस आंसर वाले लड़के जिनका नंबर 200 प्लस नंबर बन रहा है, उन सबका भाई
30 और 31 अगस्त वालों के लिए SC ST से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आपको फिजिकल तैयारी करना, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैंने इससे पहले वैकेंसी जो 2018 की हुई थी उसमें देखा था कि मेरे साथ के ही लड़के थे, 28 सितंबर को उनका पेपर हुआ था, तो वो लोग भाई जिनका 208 नंबर था वो फिजिकल तैयारी नहीं कर पा रहा था, और जिसका 290 नंबर था उसके भाई नॉमिनेशन में अच्छे मार्क्स बढ़ गए और वो फिजिकल प्रिपरेशन कर रहा था धीरे धीरे, और उसके भाई उसका सिलेक्शन हो गया भाई, और 208 नंबर वाला नहीं हो पाया। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य यही है, मेन उद्देश्य यही है, वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग प्लीज़ मोटिवेट रहो और किसी के बहकावे मत आओ। कोई यार यहाँ ईश्वर होके जन्म नहीं लिया है। अब जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो आपको केवल गुमराह करते हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सियल हो जाता है, क्योंकि उनकी श्रेणी में भी आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी अच्छे खासे आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहते हैं, तो उनकी श्रेणी में भी आ रहा हूँ, क्योंकि अभी उनका नाम ले लूँगा तो वो लोग टारगेट कर लेंगे, ठीक है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर फिर भी आप लोग समझ रहे हो मैं मेरा इशारा किन की ओर है। तो प्लीज़ आप लोग बस घर पे रहो, सेफ रहो और मस्त रहो, अच्छे से फिजिकल प्रिपरेशन करते रहो। हाँ, और बात करते हैं गर्ल्स की, गर्ल्स की कटाव क्या जाने वाली है। अगर गर्ल्स का अगर जनरल से बिलोंग करती है वो लोग, अगर उनके 90 क्वेश्चंस मींस 180 नंबर आ रहे हैं तो वो अपना 100% सिलेक्शन मान के चलिए, ठीक है, उनके 100% सिलेक्शन होने के चांस है, बस आप लोग फिजिकल प्रिपरेशन कर लो मेरी प्यारी बहनों, फिजिकल प्रिपरेशन कर लो, आपके 100% सिलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। और बात करते हैं OBC की, OBC की अगर 85 से 88 क्वेश्चंस मींस 170 से 175 के बीच में अगर उनका नंबर आ रहा है तो वो लोग भी फिजिकल प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और SC ST अगर 160 प्लस उनका दोनों का 160 प्लस नंबर है तो वो लोग फिजिकल प्रिपरेशन बेझिझक करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर से साफ साफ शब्दों में बोलता हूँ, आप लोग प्लीज़ फिजिकल करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं बाद में यही रोएंगे कि सर आपने बताया था फिर भी मैंने फिजिकल करना नहीं स्टार्ट किया था और सबके बहकाव में आ रहे थे या आ रही थी, तो इससे जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खुद को ही होने वाली है। मुझे क्या, मैं तो भी रनिंग करके आया हूँ और सोचा भाई आपके लिए भाई बता दूँ, थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ आपके तक मेरी अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं गांव में देखा लड़के लड़कियाँ भाई भरमार लगी हुई, इलाहाबाद में, पर प्रयागराज में रहता हूँ अभी, यहीं ग्राउंड में गया था, कम से कम भाई पहले दिन आज मैं स्टार्ट किया हूँ रनिंग करना, वहाँ UP पुलिस के जिनके नंबर 190 नंबर है लड़के वो भी आ रहे हैं रनिंग करने के लिए। तो आप लोग जान ही सकते हो भाई, जिनका नंबर अच्छा आया है 210 प्लस है वो फिजिकल प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहने वाली है, और आप लोगों ने देखा होगा अभी न्यूज़पेपर में बताया भी गया है कि 48 लाख फॉर्म पड़े थे, केवल 34 लाख लड़के मतलब कि वहाँ प्रेजेंटी थी, और 14 लाख बच्चे अब अपसेंट हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोग अब देख सकते हो थोड़ा सा कंपटीशन भी कम हुआ है, अब एक सीट के लिए 56 लड़के लड़ रहे हैं, उनके बीच महामुकाबला चल रहा है, अब उसमें देखना है कि किसमें कितना जोर था और किसने कितने कौन कितने पानी में था और किसका कितना नंबर आप लोगों ने इंक्रीज़ किया है। मैंने बहुतों को देखा है जो मॉक टेस्ट में 250 मारने वाले थे वो 210 205 पे धराशाही हो गए हैं। सो प्लीज़ आप लोग किसी की बहकावे में मत आओ, कोई कमेंट करके बताता कि मेरा इतना नंबर है तो मत सुनो, किसी की प्रेशर में आप लोग डिप्रेस मत हो, कोई कुछ भी कह रहा है डोंट माइंड, प्लीज़ आप लोग ऐसे चैनल से जुड़िए जो आपको अच्छी जानकारी दे और आपको सटीक जानकारी दे और उससे आपका थोड़ा सा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ में आप लोग थोड़ा सा आप कुछ भी कहें कि दोस्ती बना लीजिए या ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए जो आपको 100% थोड़ा सा सिलेक्शन की ओर अग्रसर करें, ताकि ना कि आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए हैं, और बात कर लेता हूँ मेरा खुद का एग्ज़ाम कैसा हुआ है ऑल ओवर, और मैं अपने खुद का मार्क्स शेयर कर देता हूँ, मेरे एग्ज़ाम में कितने नंबर आए थे और मेरा लेवल कैसा था और मेरा शिफ्ट कौन सा था, किस डेट को मेरी एग्ज़ाम पड़ी थी, कहाँ मेरा एग्ज़ाम था, ये हर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ 5 मिनट और रुक जाइए, बस मैं आपका 5 मिनट लूँगा, मुझे पता है कि आपके टाइम थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बस आप लोग मेरे पर ट्रस्ट करते हो, तो इसीलिए भाई मैं भी आप लोग पर ट्रस्ट करके, आप मेरे एकदम जेन्युइन मित्र हो यार, मेरा कोई पर्सनली मित्र नहीं है, आप ही लोग मेरे मित्र हो। मैं वीडियो के माध्यम से आपके तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँचा के खुद को खुशी महसूस करता हूँ कि मेरे माध्यम से मेरे प्यारे भाई बहन मैं जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं उनके पास मेरी थिंकिंग जो पहुँच जाती है, ये मेरे लिए सबसे सुकून की बात है। और मैं थोड़ा सा समाज सेवी टाइप का इंसान हूँ, मैं हमेशा ऐसा ही रहा हूँ, बचपन से ही किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो वो मेरी प्रॉब्लम बन जाती है,
तो ऐसे भाई मैं आपको अपना स्कोर शेयर करता हूँ। भाई पहले तो मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं भाई भाई मेरा नाम अमन सिंह है और मैं यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले से, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मैं प्रेजेंट टाइम में भाई प्रयागराज में ही रह के प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा एग्ज़ाम जो था एग्ज़ाम सेंटर वो चित्रकूट में पड़ा था, और चित्रकूट में किस तारीख को था वो 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में था भाई, और उसमें भाई मेरे नंबर थोड़ा सा कम आए, फिर भी इतने आए कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या सिलेक्शन हो जाएगा, इतने नंबर पे मेरा हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। मेरे काटने पीटने के बाद मैंने भाई क्वेश्चंस 132 अटेम्प्ट किए थे, और मेरे हिंदी थोड़ा सा, मेरी जो हिंदी है वो थोड़ा सा भाई नॉर्मल क्वेश्चन गलत हो गई, जीएस भी नॉर्मल गलत हो गया, मैथ और रीजनिंग अच्छी मेरी बनी है और मैंने पहले से ही प्रिपरेशन अच्छे से किया है जीएस मैथ हिंदी रीजनिंग के लिए, बस थोड़ा सा वहाँ पे जीएस और हिंदी ने साथ नहीं दिया और मेरी थोड़ी सी ये हाल हुई। फिर भी ऑल ओवर मैं कहूँ तो मेरा अच्छा स्कोर है, जो एवरेज स्कोर 30 और 31 अगस्त के लिए आया है वो पास स्कोर में थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करके आया हूँ। तो बात करते हैं, मैंने 132 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और जिसमें से मेरे 18 गलत हैं और 114 सही हैं, ठीक है। काटने पीटने के बाद मेरा जो है वो 109.5 क्वेश्चंस बन रहे हैं, मीन्स 119 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग भाई सपोर्ट करिएगा, ओके। और वीडियो में के माध्यम से आप लोग भाई मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, आपका बहुत बहुत दिल से आभार। और मैं यही बात कहना चाहता हूँ फिर से कि मेरे 219 नंबर बने हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपना अपना नंबर भी शेयर करिएगा, और मैंने जो सुझाव दिए हैं आपको जो कटाव के ऊपर डिस्कस किया है, क्या ये आपको सही लग रहा है जो मैंने बताया, ये हर चीज़ भाई आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे इस चैनल पर वीडियो के इस वाली वीडियो में जाके आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपका स्कोर कितना बन रहा है, आपका शिफ्ट कौन सी थी, आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ था, ये हर चीज़ भाई इस वीडियो के माध्यम से आप लोग थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। और मैंने भाई बहुतों को ऐसा देखा है, जहाँ मैं अभी जिस लॉज में रुका हूँ, यहीं पर मैं भाई पिछले 2-3 साल से यहीं पर स्टे किया हूँ, और यहाँ पर मैंने देखा है भाई कम से कम 15 लड़के थे जिनका स्कोर मॉक टेस्ट में भाई 250 प्लस आ रहा था, ठीक है। उनमें से मेरा ही सबसे थोड़ा कम आ रहा था, मेरा 220 से 230 बीच में ही मॉक टेस्ट में स्कोर रहता था। और उसके बाद मैंने देखा जो 250 मारने वाले लड़के थे मॉक टेस्ट में, वो यहाँ पे आके भाई 210 205 पे धराशाही हो गए हैं। सो प्लीज़ आप लोग खुद के आसपास के 10-15 लोगों का एक नंबर उठा के देखिए और फिर खुद से एनालिसिस करिए कि क्या मैंने जो कहा वो सही है, तो आप लोग खुद को मतलब खुद से ही पता चल जाएगा कि क्या जो अमन भाई ने भाई आप मुझे कुछ भी मानते हो, भाई मानते हो, सर मानते हो, कुछ भी मानते हो चलेगा, कि क्या मैंने जो कहा वो सही है कि नहीं, ये थोड़ा सा भाई खुद एनालिसिस करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी और थोड़ा सा आप लोग लेवल को भी समझेंगे कि हाँ क्या लेवल रहा एग्ज़ाम का और क्या इस कटाव जाने वाली है, ये हर चीज़ भाई आप खुद के माध्यम से भी समझ सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको जागरूक होना पड़ेगा, अपने आसपास के एरिया के जितने भी लड़के अच्छे अच्छे पढ़ने वाले थे उनसे थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद आपको ये ऐसा मिल जाएगा कि आप लोग खुद से ही कटाव बना सकते हैं, अप्रॉक्स फाइनली तो नहीं बना पाएंगे पर अप्रॉक्सिमेट मीन्स उसके आसपास कटाव के आसपास आप लोग खुद ही बना सकते हैं जितना भर्ती बोर्ड बनाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ हाँ बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है वीडियो बनाने के चक्कर में, ठीक है। अब मुझे भी पढ़ना है, प्रिपरेशन करना है क्योंकि मेरा एसएससी सीरियल का एग्ज़ाम लगा हुआ है जो कि 9 सितंबर से स्टार्ट है, ठीक है। स्टार्ट किया शायद 9 सितंबर के आसपास, मेरा अभी मैंने एडमिट कार्ड नहीं चेक किया, मेरा जो भाई था वो चेक किया, उसने बताया था कि आपका शायद 9 सितंबर के आसपास आपका सीरियल वाला भी एग्ज़ाम है, तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए भाई मुझे भी टाइम रहता है, फिर भी मैं निकाल लेता हूँ, और फिर भी मैं आपके लिए भाई थोड़ा सा 10-15 मिनट का वीडियो निकाल लेता हूँ बनाने के लिए, कि मुझे भी पता है कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोग को मेरी ज़रूरत है और मुझे आपकी ज़रूरत है। सो प्लीज़ दोनों लोग भाई कोऑपरेट करें, आप मेरी ज़रूरतों को पूरा करें, मैं आपकी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। और हाँ, आप लोग अगर SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताइए क्या मैं SSC GD के जो GS की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करके क्या मैं उसका एक PDF के माध्यम से आपके साथ में वीडियो बना के उसको पढ़ा दूँ क्या, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं आज तक, जब से SSC GD का एग्ज़ाम हो रहा है तब से जितने भी आए हैं उन इंपॉर्टेंट लेके मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करवा दूँ, तो क्या सही रहेगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और अपना राय जरूर दीजिएगा कि आप जो मैंने वीडियो बनाई है वो अच्छी लगी आपको कि कैसी लगी, मुझे क्या सुधार करना चाहिए, मेरी मेरी इस वीडियो में जो कमी रही हो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
दोस्तों आपका बहुत बहुत दिल से आभार। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।